हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगनप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। यू आर वॉचिंग वेलकिन चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। नाउन्स, नाउन्स को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इनकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड used as a name of a person, place, animal, bird or thing. Noun 6 kinds के होते हैं। पहला है common noun। common noun को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसका example है Sita is a girl. Girl is a common noun. Girl common noun है। Common noun is a word because it is a name common to all girls. So if I talk about Rahul is a boy. So boy is a common noun. The word boy is common noun because it is a name of common to all boys. Okay. Next example is Chandigarh is a beautiful city. Here city is a common noun. Same as that, city is common to all. Next is proper noun. Proper noun को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां पे आपको specifiedly name mentioned हो, person का, place का, animal, bird का या फिर thing का। Example, Sita is a girl. अब हमारे पास ये specified name है, so जहां specification हो जाएगी, so that is a proper noun. अगला एग्जाम्पल है चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब चंडीगढ़ है ये हमारे पास स्पेसिफाइड है सेंटेंस में कि किसके बारे में बात होगी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इज अ स्पेसिफाइड प्लेस का नेम है, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल। किसी भी चीज का किसी ग्रुप में बात हो रही हो, एक से नहीं। एग्जाम्पल, आई लव माई फैमिली। नाउ फैमिली हियर इज अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि फैमिली में एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, सो दैट इट इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्राउड कभी एक व्यक्ति से नहीं होता। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज है, क्वालिटी। अब एग्जांपल है क्वालिटी की, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब जो ऑनेस्ट है उसकी जो ऑनेस्टी ईमानदारी है वो उसकी क्वालिटी है, तो क्वालिटी से वो कहां गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सेकेंड इज एक्शन। एक्शन मतलब हरकत। Tom was arrested for theft. Theft एक action है, चोरी है, चोरी की है, एक action की है उसने। So action theft है, तो फिर वो same फिर क्या आ गया, abstract noun आ गया। Last is state. She is sleeping. Sleeping जो है हमारा वो state है, state से वो आया abstract noun। सो आई होप ये जो 3 है आपको ये क्लियर हो गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहते हैं गणीय संख्या, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक। अब जो बुक है हमारी दैट इज काउंटेबल नाउन। अगर हम अपने पास 3-4 किताबें रखते हैं तो वी आर इजिली एबल टू काउंट 1, 2, 3, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया काउंटेबल नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। अब एप्पल फिर से काउंटेबल है, हम इजीली एप्पल काउंट कर सकते हैं। लास्ट वन अनकाउंटेबल नाउन, उसको हिंदी में कहते हैं अगणीय संख्या। काउंटेबल नाउन के ऑपोजिट है ये, इसमें हम गिन सकते हैं, इसमें हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट एड शुगर इन माई टी। वो कह रहे हैं कि मेरी चाय में चीनी मत डालना। शुगर जो है हमारा अनकाउंटेबल है, हम चीनी गिननी नहीं सकते। जो चीनी वो
डालेंगे अगर इसमें अगर डालते हैं चाय तो वो चम्मच से डालेंगे तो स्पून काउंट होगा, चीनी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज पोर मिल्क इन दिस ग्लास, जो जितने ग्लासेस में मिल्क पड़ा होगा वो काउंट होगा, मिल्क नहीं काउंट होगा। सो मिल्क अगेन इज अ अनकाउंटेबल नाउन। आई होप द इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट लेसन आई विल गिव यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच नाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थम्स अप इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी। थैंक यू।